बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाव नी अपडेट टीवी में। प्यार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई वीज़ों के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है, 2 महीने पहले यूएई की जानिब से पाकिस्तान और 13 ममालिक के लिए वीज़े सस्पेंड कर दिए गए थे, लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा उसी तरह सस्पेंड ही है, वीज़े नहीं लग रहे। लेकिन जो खामोशी तोड़ डाली, हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में, कंप्लीट आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने नुआने वाले नाजरीन से, प्यारे से दोस्तों से, जो भी हमें देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी दबा लेना है, ताकि यूए की 7 रियासतों में से कोई भी अपडेट्स आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो प्यारे से दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस ये तो देखी होंगी कि विजिट वीजा ओपन होने जा रहा है, लेकिन कब ओपन होने जा रहा है वो किसी को भी नहीं पता और कोई भी नहीं बता रहा। मैं आप लोगों के साथ क्लियर बात कर रहा हूँ कि इमरान खान और शेख जायद के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें यही बताया गया है कि वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा जल्द से जल्द ओपन किए जाएं। लेकिन अभी तक जो दुबई और यूएई की अगर आप हालात देखें, कोरोना की वजह से डेली बेसिक पे 3000+ केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे ही वो कोरोना केसेस कम होंगे तो पाकिस्तानियों के लिए वर्क और विजिट वीज़े ओपन कर दिए जाए।